नमस्कार। मैं उत्तम रजवास हूँ। मुझको किडनी मेरी फेलियर हो गई, जिसका जो भी इलाज मुझे इससे मिला फॉरएवर करके उसी से सही हुआ। बहुत बुरा हाल था मेरा। एक महीने पहले मैं बिल्कुल चल नहीं सकता था और सामने देख नहीं सकता था। मेरी आंखें बिल्कुल झुकी हुई थी, सिर मेरे एक जगह रुकता नहीं था। वो सब मेरी वाइफ बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या पर दिए, उससे मैं आज बिल्कुल अच्छा महसूस करता हूँ। गार्लिक खाएंगे। अच्छा, इतना हुआ है तो उन्होंने इनका फिस्टुला बनाया 14
आप रह गए। फिस्टुला बनाने के बाद इनको एक इन्फेक्शन हो गया, उसमें बेस्टोडोमोनस कहते हैं, डॉक्टर कोई अगर रहे तो वो जानते होंगे इसको, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता, वो कई लाख लोगों में एक होता है। मैंने फिर सबको फोन किया, सर ने कहा ऐसा है मैडम कोई चिंता की बात नहीं, आप इनकी डोज डबल कर दीजिए और बी प्रोपोलिस दीजिए। बी प्रोपोलिस की डोज हमने डबल की, उसमें एब्जॉर्बेंट सी हमने जोड़ा और एक हमने जोड़ा उसमें बी पोलन फील्ड ऑफ ग्रीन। सबकी डबल डोज दे रहे थे बराबर, और 15 दिन के बाद वो जो टेस्ट हुआ उसमें उनका जो इन्फेक्शन था वो निगेटिव आ रहा है, खत्म हो गया। इसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट तो हम ले रहे थे, अचानक एक दिन 12 मई को इनको लगा कि कहने लगे नहीं ऑक्सीजन नहीं चाहिए मुझे, इसको हटाओ, ऑक्सीजन हटा दी। जो हम डायलिसिस कराते थे एक दिन पहले 12 क्रेटिनिन में होता था, वो डायलिसिस से क्रेटिनिन 4 कर देते थे, अगले दिन फिर वही क्रेटिनिन 12 और 11 के बीच में आ जाता था, इतना बुरी हालत थी। यूरिया चल रहा था इनका 300 समथिंग, समझ ही रहे हैं अर्था क्या करें। वो सब जो यूरिया था वो इनका आ गया 75, क्रिटिनिन आ गया इनका 5। इसके बाद हमें लगा हमको स्पीड तो बहुत कम हो गई है, इसको ऐसा ही करते हैं डायलिसिस हमने बजाय 3 दिन के 5 दिन बाद 6 दिन बाद शुरू कर दिया। उसके और अगले हफ्ते हमने 1 वीक में कराना शुरू कर दिया। लास्ट डायलिसिस हम जब सारे टेस्ट कराकर पहुंचे 30 मई को, डॉक्टर रमेश कुमार गया तो उन्होंने कहा नहीं आपके सारे टेस्ट गलत हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं सकता। तो आप टेस्ट करा लीजिए, डॉक्टर लाल लेमन टेस्ट कराया, बत्रा हॉस्पिटल में टेस्ट हुआ, हमारे टेस्टिंग में 3 पॉइंट था और उनके टेस्ट में 2 पॉइंट था। और कल करवा चौथ की देखिए मैंने सेलिब्रेट की।